किसी भी डेयरी फार्म का मुस्तकबिल वहाँ मौजूद मवेशियों की नई और अगली नस्ल पर मुनहसिर होता है। चुनाचे बतौर एक डेयरी फार्मर अगर आप बछड़ों की अच्छी निगहदाश्त करेंगे तो मुस्तकबिल में सेहतमंद जानवर आपके डेयरी मुनाफे में इजाफे का बाइस होंगे, यानी आज की सेहतमंद बछड़ी कल की ज्यादा पैदावार वाली गाय। मैं हूँ आपकी DRDF डेयरी गाइड और हमारी आज की बातचीत बछड़ों की निगहदाश्त के बारे में है। बछड़े की पैदाइश और जरूरी इकदाम। बछड़े की पैदाइश की जगह की सफाई को यकीनी बनाएं। बछड़े की पैदाइश के बाद उसका मुंह और नथने फौरन साफ करें ताकि वो बआसानी सांस ले सके। कभी कभी नौजायदा बछड़े जिंदगी की अलामत जाहिर नहीं करते, ऐसी सूरत में सांस बहाल करने के लिए पसलियों पर हल्का सा दबाव डालें। पैदाइश के बाद मतलूब दीगर जरूरी इकदाम। नाड़ू को पेट से 2-3 इंच की दूरी से साफ धागे से बांधकर काट दें और नाड़ू को टिंचर आयोडीन के महलूल में डुबोएं। पैदाइश के आधे से 1 घंटे के दौरान बोहली पिलाएं। याद रखें, बरवक्त और लगातार दी जाने वाली बोहली सब कुछ है। बोहली जल्द से जल्द पिलाएं और ताज़ा और मुनासिब मकदार में दें, जिससे बछड़ा सेहतमंद होगा, उसकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और नशोनुमा बेहतर होगी। पैदाइश के 24 घंटे बाद बछड़े को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दें। पिंजरे में बच्चे को शुरू में फीडर से दूध पिलाएं। कुछ ही दिन में बछड़े बर्तन में दूध पीना सीख लेंगे। इस मकसद के लिए मार्केट में दूध के मुतबादिल मिल्क रिप्लेसर भी दस्तयाब हैं। जानवरों की शनाख्त और उनके टैग। डेयरी फार्मिंग में जानवरों की शनाख्त और बकायदा रिकॉर्ड के लिए हर जानवर को एक मखसूस नंबर दिया जाता है। ये नंबर टैग पर लिखकर जानवर की बाई कान की अंदरूनी जानिब लगा दिया जाता है। इससे जानवर की शनाख्त करने और रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। टैग अमूमन प्लास्टिक का बना होता है, जिस पर मशीन के जरिए नाम कंदा कर दिया जाता है। आप नंबर लिखने के लिए मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते की उम्र में बछड़े के कान पर शनाख्ती टैग लगाएं। सींग बनाना। डेयरी फार्मिंग के जदीद तरीकों में से एक तरीका ये है कि जानवरों को बांधकर ना रखा जाए बल्कि खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक खुराक और पानी हासिल कर सके। इस खतरे के पेशे नज़र के जानवर सींग से एक दूसरे को जख्मी ना कर दें, जानवर के सींग खत्म कर दिए जाते हैं। इस अमल को डी हॉर्निंग या सींग बनाना कहते हैं, जिसे डी बडिंग भी कहा जाता है। 1 माह की उम्र में जानवर के सींग बनवाएं। इस अमल में मुतासरा जिल्द पर जरासीम कुछ दवाई लगाएं। बछड़ों की रिहाइश। जैसा कि पहले बताया गया है कि पैदाइश के 24 घंटे बाद बछड़े को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दें और पिंजरों की हर रोज सफाई करें। बछड़ों को कम से कम 2 माह की उम्र तक पिंजरों में रखें। जिस शेड में पिंजरे बनाए गए हों वहाँ सफाई के साथ हवा का भी मुनासिब बंदोबस्त करें। 2 माह बाद बछड़ों को पिंजरों से निकालकर अलहदा शेड में रखें और वहां के फर्श पर पराली या रेत डालें। पिंजरे में रखने के मकासिद। बछड़ों को मिट्टी खाने से महफूज रखना, उन्हें साफ सुथरा माहौल मुहैया करना, चीचड़ों से बचाना, उन्हें नशोनुमा के लिए मतवाजन खुराक देना, उन्हें नाड़ू के इन्फेक्शन से तहफ्फुज देना, क्योंकि ये एक मवेशी के बीमार होने की सूरत में इसे दूसरे बछड़ों तक मुंतकिल होने से बचाता है। बछड़े की गजाई जरूरियात। पैदाइश से इब्तदाई 2 माह तक पहले 4 दिन हर 8 घंटे बाद बोहली पिलाएं। बछड़े को माँ का दूध उसके वजन का 1/10 हिस्सा पिलाएं। मसलन अगर बछड़े का वजन 30 किलोग्राम है तो उसे 3 लीटर दूध दिन में 3 बार 3 हिस्सों में बराबर मकदार में बजरिया फीडर दें। पैदाइश के 3-4 दिन बाद बछड़े को साफ पानी मुहैया करें, मगर दूध पिलाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद उसे पानी ना पिलाएं, क्योंकि इस तरह उसे दस्त लगने का अंदेशा हो सकता है। पैदाइश के 7 दिन बाद बछड़े को दूध के अलावा कलील मकदार में वंडा और नमकियात देना शुरू कर दें। 2 माह बाद बछड़े की गजाई जरूरियात। 7वें या 8वें हफ्ते यानी 2 माह की उम्र से बछड़े का दूध छुड़वा दें, लेकिन
पहले इत्मीनान कर लें कि बछड़ा रोजाना अपनी खुराक में तकरीबन आधे से एक किलोग्राम तक वंडा खा रहा है। तीसरे महीने से इस बात को यकीनी बनाएं कि बछड़े ने सब चारा खाना शुरू कर दिया है। शुरू में खुश्क बरसीम या लूसर्न और वंडा दें। एक साल से बालिग होने तक 25 से 30 किलोग्राम सब्ज चारा और 1 से 2 किलोग्राम वंडा खिलाएं। अमूमी हदायत। बछड़े को 2 माह की उम्र से वेटनरी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक शेड्यूल के हिफाजती टीका जात मसलन मुखुर गलघोटू और किरमकश अद्वियात या डीवर्मर देनी शुरू कराएं। तकरीबन 1 हफ्ते की उम्र में ब्यूटालेक्स और 1 सीसी आइवरमेक्टिन जेरे जीत लगाएं। आप 2 माह की उम्र में मुखुर और गलघोटू की वैक्सीन कर सकते हैं। 6 से 8 माह की उम्र में ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन करनी चाहिए। आखिर में चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने बछड़ों की बेहतर निगहदाश्त के लिए क्या निकात बयान किए हैं। बछड़े की पैदाइश के बाद ज़रूरी इकदाम, उसकी गजाई ज़रूरियात, बछड़े की रहाइश के मुनासिब इंतजामात और उनके लिए ज़रूरी टीका जात। अगर आपने इन तमाम इकदामात को सामने रखा तो यकीन कर लें आपका डेयरी फार्म मुस्तकबिल में बेहतरीन कारोबारी नतायज देगा, क्योंकि यही बछड़े आने वाले दिनों में आपके लिए दूध की बेहतरीन पैदावार और गोश्त की ज्यादा से ज्यादा फराहमी का जरिया बन जाएंगे। लिहाजा ये मामला है जानवर के पूरी नस्ल के तहफ्फुज़, उसकी नशोनुमा और सबसे बढ़कर आपके कारोबारी मुनाफा का।